तो गाइज वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो में आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ दोबारा से बहुत सारी इंटरेस्टिंग न्यूज़। तो जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आप लोग देख रहे होंगे 10K सब्सक्राइबर्स के कितने ज़्यादा क्लोज हूँ। जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और अच्छे कमेंट्स कर देना, क्योंकि आप लोग अच्छे कमेंट्स करते हो तो मैं वीडियो के एंड में उनको लगाता हूँ। और अब बात करते हैं हम न्यूज़ की। तो हमारी जो फर्स्ट अपडेट निकल कर आती है वो है एस पावर को लेके। तो जो एस पावर है वो कंप्लीट कर चुके हैं अपने 100K सब्सक्राइबर्स, तो सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन टू हिम। उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट अपडेट निकल कर आती है वो है GXR को लेके। तो जो GXR है उनके बहुत ज़्यादा ग्लिच हो रहे थे PMPL में, और उसकी क्लिप उन्होंने इंस्टाग्राम पर लगाई और उस पर जो वेज है उन्होंने भी रिएक्ट करा। तो वो सब आप लोग देख सकते हैं उनके ग्लिचेज की जो वीडियो थी वो ग्लिच हुआ शायद। मैं ग्लिच हो गया, मुझे नहीं पता मैं कहा हूँ, मुझे नहीं पता, ग्लिच हो गया, मर गया मैं। अबे भाई रूफ पे आ रहा है, वो इस अपने साइड रूफ पे आ रहा है, नहीं राइट चला गया यार, फिर ग्लिच ये दो। तो उसके बाद जो ओवेज है उन्होंने भी इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी अपलोड करी जो आप लोगों को स्क्रीन पे नज़र आ रही होगी। तो जो हमारी नेक्स्ट अपडेट निकल कर आ रही है वो है श्राइडर को लेके। तो जो श्राइडर है उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी अपलोड करी जो आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रही होगी। आपको क्या लगता है उन्होंने ये किसके लिए अपलोड करी है, किस चीज़ को लेके उन्होंने ये अपलोड करी है, कमेंट करके ज़रूर बताना। तो हमारी जो नेक्स्ट अपडेट निकल कर आ रही है वो है क्रॉन्टन को लेके। तो जो क्रॉन्टन जब लाइव थे तो उन्होंने बात करी BGMID कोरियन वाली होगी उससे BGMI में डाटा ट्रांसफ़र होगा या नहीं, तो उस पर उन्होंने क्या कहा वो भी आप लोग देख सकते हैं। इंडियन वर्जन बस इंडिया में ही चलेगा, आउट ऑफ इंडिया लोग नहीं खेल सकते। VPN वगैरह से वो खेल सकते हैं बट कोई क्यों खेलेगा भाई नए अकाउंट से एक बार ट्रांसफर करने के बाद। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक टूर्नामेंट के बारे में बताने वाला हूं जिसका नाम है बैटल ग्राउंड कप सीज़न 1, जिसको प्रेजेंट कर रहे हैं SVK Esports। और इसकी जो रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट हो चुकी है और आप लोग रजिस्टर कर सकते हैं। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा उनके डिस्कॉर्ड सर्वर और इंस्टाग्राम का। इसका जो प्राइस पूल है वो है 5 लाख INR, और उसके बाद जो इसकी एंट्री है वो फ्री है जिसमें आप लोगों को 3000+ स्लॉट देखने को मिलने वाले हैं। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ अगर आप BGMI के लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं और आप लोगों को टूर्नामेंट खेलने हैं तो ये आप लोगों के लिए एक बेस्ट टूर्नामेंट है जिसकी कोई एंट्री फीस नहीं है। तो हमारी जो नेक्स्ट अपडेट निकल कर आ रही है वो है ठग को लेके। तो जो ठग है उन्होंने बात करी सोल के वैलोरेंट और BGMI के लाइनअप को लेके, तो उस पर उन्होंने क्या कहा वो आप लोग देख सकते हैं। क्या बोल रहे थे वैलोरेंट के लाइनअप में? हाँ, तो हम यही बोल रहे थे हमसे और बहुत बड़ी गलती हो गई, तो हम आगे की गलतियों को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसे लाइनअप में टाइम मिलेगा। तो 2 जून हो गया, अब तो दे दो BGMI सोल लाइनअप पे। समक्ष भाई 2 जून से क्या लेना देना है? 30 जून बात है, जब 22 जून को हमें हिंट देने वाला था ना, उस टाइम मैं और गोल्डी भाई लाइनअप को लेके मिड लाइफ क्राइसिस पे चल रहे थे, तो हमने बोला ये क्राइसिस को थोड़ा सा डिले कर दो, 1-2 महीना बाद बताएंगे जब श्योर हो जाएंगे। तो गाइस जो हमारी नेक्स्ट अपडेट निकल कर आती है वो है 420 OP को लेके। तो आप लोगों को पता ही होगा जो टेक्निकल गुरुजी हैं उन्होंने एक वीडियो अपलोड करी थी जो कि बहुत ही ज़्यादा फनी थी, और उस पर जो ये 420 OP हैं उन्होंने रिएक्ट करा और उन्होंने क्रिएटर्स हैं उन्होंने भी ट्रोल किया टेक्निकल गुरुजी को इस पर, और उनकी भी स्टोरी आप लोग देख सकते हैं। बिकॉज यहाँ पर दोस्तों एक ई-स्पोर्ट्स जो है उसने क्लियरली अनाउंस कर दिया है दोस्तों, यहाँ पे रेवेनेंट ई स्पोर्ट्स ने बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया का ये एक कॉन्टेस्ट, मतलब टीजर स्पोर्ट्स ने बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया का ये एक कॉन्टेस्ट, मतलब काफी 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 मजा, भरपूर मजा आने वाला है। अभी यार लेट्स सी कि यार ये गेम बस ऑफिशियली कब आता। तो गाइस आप लोगों ने देख लिया होगा, और इससे किसी को भी हेट मत देना क्योंकि ये सिर्फ एक फ़नी ट्रोल है, और इसको एकदम फ़नी वे में लेना और इसको बिल्कुल भी सीरियस लेके हेट मत देना किसी को। तो अब बात करते हैं अपनी नेक्स्ट न्यूज़ की। तो हमारी जो नेक्स्ट न्यूज़ निकल कर आती है वो है गोल्डी भाई और मोगैम्बो के मैटर को लेके। तो हुआ क्या था, जो मोगैम्बो है उन्होंने लाइव स्ट्रीम पे कुछ बोला था, तो उन्होंने पंक की लाइव स्ट्रीम पे सबसे पहले क्या बोला वो आप लोग देख सकते हैं, उसके बाद मैं आप लोगों को पूरी बात जो है वो एक्सप्लेन करता हूँ। अरे वो वैसे भी मेरे को पता है, अरे वो तो पता चल ही जाता है, एक तो बोनस चैलेंज है ना, तो उसमें कराते हैं तो कोई नहीं बात। अरे उसमें पता है, हां उसमें तो तेरे को हम पिछले 3-4 दिन से ना बंदे आ गए थे मार के डांस कर रहे भाई, हद वॉच आउट। उस दिन गोल्डी भाई मैं स्काउट खेल रहे थे, फिर ऐसे हैकर आके मार के आई गॉट सप्लाईज रेडी, मेरे को अगर निकलता हूं गेम।
तो गाइज आप लोगों ने ये क्लिप देख ली होगी, और इस क्लिप को देखने के बाद जो लोग हैं वो एज्यूम कर रहे थे कि जो गोल्डी भाई हैं वो पबजी खेल रहे हैं। उसके बाद जो मोगैम्बो है उन्होंने एक स्टोरी अपलोड करी जिसमें उन्होंने बताया कि भाई जो मैंने स्ट्रीम पर बोला था वो 8 महीने पहले की क्लिप है, पता नहीं कौन क्लिप निकाल के गोल्डी भाई को टैग कर रहा है, गोल्डी भाई ने जब से बैन हुआ है तब से गेम नहीं खेला है, सॉरी गोल्डी भाई फॉर दिस। ये इन लोगों ने मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर दी, भाई आप लोग ऐसे मत किया करो, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है बहुत ज़्यादा। और इस पे जो गोल्डी भाई हैं उन्होंने भी रिएक्ट करा, तो उन्होंने रिएक्ट करते हुए क्या कहा वो आप लोग देख सकते हैं। तो जो गोल्डी भाई हैं उन्होंने इस पे एक स्टोरी अपलोड करी इंस्टाग्राम पे, और उन्होंने लिखा ऑल द पिकाचूज इन द DM मैसेजिंग मी दैट आई प्ले पबजी एंड कॉलिंग बाय वेरियस नेम्स, सामने वाले की बात सुन के आया करो आगे से DM में गलत बोलने से पहले। तो गाइज़ आप लोगों को मैं बता दूं कि जो गोल्डी भाई हैं वो पबजी नहीं खेलते, और जब से बैन हुआ है उन्होंने गेम नहीं खेला है, तो इसके लिए जो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई है वैसी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट मत करो। तो हमारी जो नेक्स्ट अपडेट निकल कर आती है वो है 420 OP को लेके। तो जो 420 OP है उनसे उनके लाइनअप के बारे में पूछा गया, उस पर उन्होंने बहुत सारी बातें बोली, तो स्ट्रीम की सारी क्लिप मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, उसके बाद आप लोगों को खुद पता लग जाएगा कि उनका लाइनअप क्या होने वाला है। तो गाइस आप लोगों ने देख लिया होगा जो 420 OP है उन्होंने इस पर क्या कहा है, उनकी सारी क्लिप्स देख के आप लोगों को क्या लगता है वो कौन सी टीम ज्वाइन करने वाले हैं कमेंट करके ज़रूर बताना। तो गाइस जो हमारी नेक्स्ट अपडेट निकल कर आ रही है वो है BGMI को लेके। तो जो क्रश्ड प्ले है उन्होंने एक इंस्टाग्राम पे पोस्ट डाला जिसमें उन्होंने लिखा बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया APK फाइल वॉज सेट टू बी लीक्ड, उसके बाद उन्होंने कैप्शन में इसका लिंक दिया है आप लोगों को दिख रहा होगा स्क्रीन पे, और उन्होंने बोला था कि ऐसे लिंक जो होते हैं उनको क्लिक ना करें क्योंकि इसमें मालवेयर भी हो सकता है। तो गाइस आप लोगों को भी मैं यही बोलूँगा कि अगर आप लोगों को कोई ऐसा लिंक देखने को मिले तो उसको क्लिक मत करना जब तक कि कोई ऑफिशियल जगह पर वो आप लोगों को ना देखने को मिले। तो बस गाइज आज के लिए इतनी मेरे पास इतनी न्यूज़ थी, जैसी कोई अपडेट मिलेगी नेक्स्ट मैं आप लोगों को सबसे पहले दे दूंगा, उसके लिए आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करना है और